नमस्कार दोस्तों, आपको मैंने एक चीज बताई थी रियल एनालिसिस, जो हम ये इन्फिनाइट सीरीज स्टार्ट कर चुके थे उस वक्त की, आपको ये चीजें याद रखनी है। तो अब इन चीजों का हम प्रयोग करेंगे। पहले मैं बता देता हूं आपको, दो तीन चीजें मैंने बताई थी कि अगर आप लिमिट SnN से इन्फिनिटी लगाएंगे, ये क्या था दोस्तों, आंशिक योग का, जो आपके पास जो सीक्वेंस दिया था आंशिक योग का अनुक्रम था, अगर आप इस पर लिमिट लगाते हैं तो कोई फाइनाइट वैल्यू आपको एस मिलेगी। अगर ऐसे कोई फाइनाइट वैल्यू मिलती है, कोई परिमित संख्या मिलती है, कोई फाइनाइट नंबर मिलती है, तो ये सेक्वेंस क्या होगा, SN कन्वर्जेंस। यही तो चीजें बताई थी, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। और एक आपको मैंने जो कल के वीडियोस में आपको ये चीजें इससे संबंधित क्वेश्चन करवाई दिए थे कि अगर जीरो हो तो ये कन्वर्जेंस है, अन्यथा क्या था दोस्तों, अगर जीरो नहीं है तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। अब इन्हीं चीजों से रिलेटेड अब क्वेश्चन आने वाले हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपके बहुत काम आने वाली हैं, बार बार मैं इन वीडियोस में कहता हूं। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। देखिए, कहीं क्वेश्चन किसी यूनिवर्सिटी में कहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन किसी यूनिवर्सिटी में कहीं होंगे, तो ऐसे मैं क्वेश्चन के नंबर इस वजह से नहीं लगाता हूं क्योंकि हम एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए कर रहे हैं जिनके भी ये टॉपिक्स लग रहे हैं। इस वजह से मैं आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूं, तो आपके आगे पीछे ये क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। जो ये बुक है हमारे पास, ये लगभग 5-7 यूनिवर्सिटीज की लगती है, 5-7 यूनिवर्सिटीज में ये बुक लगती है, लेकिन उन बुक उनमें क्या होता है कि टॉपिक आगे पीछे हो जाते हैं, वो लग बात है। लेकिन ये बुक है जो मेरे पास, वो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी कौन सी बुक, हम बुक से हम क्वेश्चंस करते हैं, तो मैं क्वेश्चन के नंबर नहीं लगाता। लेकिन जो ये चीजें हैं, जो आपको ये मैटर मिल रहा है, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में लागू होता है, ऐसा कैसा एज इट इज लागू हो जाता है क्वेश्चन। कोई टॉपिक आगे होता है, कोई टॉपिक पीछे होता है, कोई एक्सरसाइज पहले होती है, कोई बाद में होती है, वो अलग बात होती है क्योंकि यूनिवर्सिटी चेंज हो रही है, तो सारी चीजें ही, क्योंकि पैटर्न ही चेंज हो जाते हैं एग्जाम के, तो टॉपिक स्वाभाविक सी बात है आगे पीछे होना तय है। लेकिन जिनके ये टॉपिक्स नहीं लग रहे, कोई बात नहीं, जो दो आपके टॉपिक्स लगते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, निश्चित रूप से आप मुझे बताएं। आप जो, मैं इंस्टाग्राम पर भी है, हम एक्टिव रहते हैं, तो वहां पर आप बता सकते हैं, विवेक नैन 778, यूजर नेम है, वहां पर आप आगे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी आपकी जो चीजें हैं वो आप शेयर कर सकते हैं, कोई PDF नोट्स वगैरह आपको चाहिए, या आपको आपको जो चीजें आपको करवानी है वो उनकी PDF नोट्स वगैरह वहां पर आप शेयर कर दीजिए, तो आप वो चीजें आपके लिए हम करवा देते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि वहां पर आप चीजें बता सकते हैं अपनी, कौन सी आपका लगता है कौन सा नहीं लगता, तो ये आपको मैंने सुविधा दे दी है। पहले दोस्तों व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपके लिए ऐड करता था, लेकिन उसका लोग मिसयूज करने लगे, तो इस वजह से वहां पर इंस्टाग्राम पर आप आ जाइए, वरना व्हाट्सएप में भी कोई दिक्कत नहीं होती, हम देते पहले हमेशा ही मैं आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराता था, लेकिन वहां पर भी एक जैसा ही तरीका है, तो वहां पर भी आप आ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। चलिए पहला ही क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम करने वाले हैं दोस्तों, आपकी डिमांड पर कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करवाए जाए, तो जरूर हम करवाएंगे, आपके लिए ही तो वीडियोस हम बना रहे हैं। 2/3 + 2/3 की होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 2/3 की पावर n-1, ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब इन जो हमने अभी मैंने आपको जो चीजें बताई हैं कि आपको ये चीजें याद रखनी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। कैसे करना है ये देखिए, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना। ये सीरीज देखिए, सबसे पहले आपको किस प्रकार की सीरीज दिखाई दे रही है, पहला पद प्लस 2/3 और उसके बाद 2/3 की होल स्क्वायर, तो ये किस रूप में आपको दिखाई दे रही है, आगे से आगे n-1 के रूप में बढ़ रही है, तो ये सीरीज आपको पता होगा 2/3 R बराबर 2/3, यानी ये सीरीज आपको GP गुणोत्तर श्रेणी, एक होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक ये है गुणोत्तर श्रेणी GP, एक FP एक GP, दो उस प्रकार की सीरीज होती है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें सर्व अंतर जो है वो R बराबर सर्व अनुपात सॉरी सर्व अनुपात आपके पास R बराबर 2/3 है। अब ये देखिए, जो आपका ये R की वैल्यू है, क्या ये एक से बड़ी है, नहीं है, ये एक से क्या है, छोटी है, ठीक है। अब देखिए, पहला पद आपके पास इसमें दिया है, फर्स्ट
ए बराबर वन। तो इसमें जो एसन होता है आपका, जो योग होता है, वो आप किस प्रकार करते हैं, ए अगर एक से छोटा है आर, तो वन माइनस आर की पावर जितनी भी अन देर की होती है वो अन लगानी है, लेकिन यहां पर अन माइनस वन स्टेप है, लेकिन फिर भी अन हो जाएगा यहां पर आर की पावर अन और अपॉन में वन माइनस आर। तो एसन बराबर क्या आएगा, एक दो एक है यहां पर, वन माइनस आर, आर कितना है दो बटा तीन की पावर अन और अपॉन में दो बटा तीन, यहां पर भी आएगा वन माइनस दो बटा तीन, नीचे भी आएगा ये लीजिए। तो यहां पर जो एसन है, एसन क्या आ गया साथियों, वन माइनस टू अपॉन थ्री, ये थ्री ऊपर मल्टीप्लाई होगा थ्री इंटू में वन माइनस टू अपॉन थ्री की पावर एन, एसन क्या होगा थ्री माइनस थ्री इंटू टू अपॉन थ्री की पावर एन। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको एक चीज कही थी, एक आपको एक चीज मैंने बताई होगी कि आपको ये चीजें याद रखनी है कि अगर आप लिमिट एसन से एन से इंफिनिटी लगाएंगे तो ये पार्ट तो आपका चला गया, तो ये बचा क्या आपके पास थ्री, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो एसन है वो किसकी ओर अग्रसर है, थ्री की ओर। और मैंने आपको बताया था कि अगर एस एन जो अनुक्रमों का जो योग है उनका अनुक्रम अगर किसी एक परिमित वैल्यू, एक फाइनाइट वैल्यू की ओर अग्रसर हो, तो जो ये सेक्वेंस है एसन वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो आपको लिखना है ये क्या होगा, फिर कन्वर्जेंट होगा। तो क्वेश्चन आप उतार लीजिए, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं पीछे हट गया हूं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी टाइप का, क्योंकि हम जो वे क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं जिनमें लिमिट यू वन एन से इंफिनिटी अगर जीरो होती है वो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो इस तरह की क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं जिसमें एसन का प्रयोग होता है, और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ जाता है, वैसे ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, सिंपल है तो करके बताएं। और आपको यहां पर एसन दे रखा है टू इंटू वन माइनस वन अपॉन टू की पावर एन, जब क्या हो वहन अन इवन हो, सम हो। और दूसरा, ऐसे चीजें मैंने आपको समझाई थी, अगर दोस्तों आपको याद आ रही हैं तो आप, मैंने कहा था क्वेश्चन आप देखते ही कर पाएंगे, और आप ऐसे ही करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप देखते ही बता देंगे कि ये अभिसारी है या अपसारी है या कुछ और है। अब जो चीजें, जिसने ये चीजें याद करी हैं वो तो देखते ही बता देगा कि ये क्या, किस प्रकार की सीरीज है, अभिसारी है, अपसारी है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ओसिलेटिंग है, देखते ही आप बता देंगे। अगर आपने चीजें पढ़ी हैं तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि ये किस प्रकार की सीरीज है। अगर दोस्तों नहीं पता चल रहा है तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी तैयारी बहुत कमजोर है, आपको चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज्यादा आपकी तैयारी वीक है। अगर आपको देखते ही पता नहीं चल रहा है तो साथियों स्थिति खराब है आपकी। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वैल्यू एक फिक्स वैल्यू की ओर अग्रसर हो तो वो कन्वर्जेंट होगा, अभिसारी होगा। अगर वह इन्फिनिटिव की ओर अग्रसर हो, इन्फिनिटिव या माइनस इन्फिनिटिव की ओर अग्रसर हो, तो वो डाइवर्जेंट होगा, अपसारी होगा। एक चीज और बताई थी मैंने आपको, अगर कोई अनुक्रम, कोई सेक्वेंस दो वैल्यू की ओर अग्रसर हो रहा हो, कभी दोलायमान हो, कभी इस ओर अग्रसर हो, कभी इस ओर अग्रसर हो, हमने एक एग्जांपल किया था माइनस वन से वन की ओर, कभी माइनस वन आ रहा है, कभी वन आ रहा है, माइनस वन आ रहा है, वन आ रहा है, तो ना तो वो एक फिक्स वैल्यू की ओर अग्रसर हो रहा है, ना वो इन्फिनिटिव की ओर अग्रसर हो रहा है, तो वो किस प्रकार का था, वो था ओसिलेटिंग। तो डायरेक्ट बस आपको यहां से पता चल गया कि ये किस प्रकार की सीरीज है। आप
वैल्यू भी रख सकते हैं, सम वैल्यू रखेंगे तो आपके पास दो आएगी, अन्यथा दो या आपके पास तीन वैल्यू आएगी। तो क्या हो गया ये ओसीलेटिंग, क्या साथियों, दोलायमान, दोलायमान हो गया। बस आपको मैंने कहा देखते ही आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि किस प्रकार का बनेगा, वो प्रोसेस अलग होती है, आपको चीजें लिखनी है वो स्टेप बाय स्टेप, उसी के तो आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि ये किस प्रकार की सीरीज है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जो जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं, लिमिट यू वन बराबर एन से इन्फिनिटी हमने बताया तो उसमें अगर जीरो होता है तो वो भी सारी था। दूसरा हमने बताया कि अगर लिमिट एस एन में आप लिमिट लगाते हैं एन से इन्फिनिटी, अगर वो एक फाइनाइट वैल्यू की ओर अग्रसर हो तो वो क्या होगा, अभिसारी होगा, अगर नहीं होता है तो वो अपसारी होगा, लेकिन अगर ना तो वो अभिसारी हो ना अपसारी हो, वो बीच में दोलन करे, यानी कभी माइनस वन आ रहा है, यहां पर देख लीजिए कभी दो आ रहा है, कभी तीन आ रहा है, अगर ऐसे बीच में दोलायमान रहे तो वो ओसिलेटिंग सेक्वेंस कहलाएगा, दोलनी अनुक्रम कहलाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम टेस्ट पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले कंपैरिजन टेस्ट पढ़ेंगे और पर्टिकुलर कंपैरिजन टेस्ट, ये दो प्रकार के हम टेस्ट पढ़ने वाले हैं कल के वीडियो में, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनसे निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूं वो वीडियोस आपको, मैंने जो पहले कहा है कि वो वीडियोस आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, उसमें मेरी मेहनत भी डबल होगी और आपको भी मेहनत डबल करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं इससे रिलेटेड, अब जो चीजें आएंगी वो स्टैंडर्ड की ही चीजें आपको देखने को मिलेगी, कुछ क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे, 15 से 20 वीडियोज आपको और मिलेंगे, वो सारे स्टैंडर्ड के लेक्चर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वो लेक्चर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से निकालेंगे, उन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर इस तरह के और नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।